दीपावली का मंगल त्योहार आप सबके जीवन में अपार खुशियां लेकर आए। दीपावली, जिसे दीपोत्सव के नाम से भी जाना जाता है, इसे पारंपरिक तौर से मनाने की परंपरा का आरंभ एक दिन पहले से हो जाता है। दीपावली से एक दिन पहले मनाई जाती है छोटी दिवाली। वैसे तो इसे नरक चतुर्दशी भी कहते हैं, लेकिन दिवाली से एक दिन पहले मनाए जाने के इसके पौराणिक महत्व की वजह से इसे आम तौर पर छोटी दिवाली के नाम से ही जाना जाता है। छोटी दिवाली को नरक चतुर्दशी, काली चौदस और यम दिवाली भी कहते हैं। इस दिन पारंपरिक ढंग से एक दिया जलाने की परंपरा रही है। इससे जुड़ी रोचक बात यह है कि ये एक दिया यम देवता के नाम से जलाया जाता है। इस दिए को घर के बाहर दक्षिण दिशा में जलाकर रखा जाता है। इसे लेकर ऐसी मान्यता रही है कि इससे घर परिवार में संपन्नता आती है। छोटी दिवाली मनाने को लेकर भी एक बड़ी ही दिलचस्प कहानी है। हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार किसी राज्य में नरकासुर नामक एक राक्षस रहता था। वो इतना बलशाली था कि उसने इंद्र देव को भी पराजित कर दिया था और देवी माता के आभूषण छीन लिए थे। इसके अलावा वह राक्षस देवी देवताओं और ऋषि मुनियों की बेटियों का अपहरण कर उन्हें अपने घर में बंदी बनाकर रखता था। उसने अपनी शक्तियों का दुरुपयोग कर 16,000 स्त्रियों को बंदी बना लिया था। महिलाओं के प्रति नरकासुर का द्वेष भाव देखकर देवी सत्यभामा ने भगवान श्री कृष्ण से निवेदन किया कि वे उन्हें नरकासुर के वध करने का अवसर प्रदान करें। दरअसल नरकासुर द्वारा इतने घिनौने कृत्य करने के बावजूद उसका वध कोई देवता इसलिए नहीं कर पाया था क्योंकि नरकासुर को वरदान प्राप्त था कि उसकी मृत्यु केवल एक महिला के हाथों ही हो सकती है। इसी वजह से देवी सत्यभामा ने भगवान श्री कृष्ण से नरकासुर का वध करने का निवेदन किया था, जिसके बाद सत्यभामा को भगवान श्री कृष्ण का साथ मिला और वो भगवान श्री कृष्ण के रथ पर बैठकर नरकासुर का वध करने के लिए गईं। सत्यभामा और नरकासुर के बीच हुए युद्ध में सत्यभामा ने नरकासुर का वध कर सभी 16,000 बंदी कन्याओं को मुक्त करवाया। हालांकि इतने लंबे समय से नरकासुर की कैद में रही स्त्रियों की हया पर लोग सवाल खड़े करने लगे थे। ऐसे में उन सभी स्त्रियों को समाज में सम्मान और मान्यता दिलाने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने सभी स्त्रियों को अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार किया। कहा जाता है कि नरकासुर के वध के बाद उनकी माता ने यह ऐलान किया कि उनके पुत्र की मृत्यु को किसी शोक दिवस के तौर पर न मनाकर एक उत्सव के रूप में मनाया जाए। यही वजह है कि इस दिन को छोटी दिवाली के रूप में मनाया जाता है। पंचांग के मुताबिक कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि की शुरुआत 11 नवंबर शनिवार को दोपहर 1:57 पर हो रही है। ये तिथि 12 नवंबर रविवार को दोपहर 2:44 पर खत्म होगी। छोटी दिवाली के लिए प्रदोष काल 11 नवंबर को प्राप्त हो रहा है, इसलिए छोटी दिवाली 11 नवंबर को मनाई जाएगी। इस साल छोटी दिवाली पर 3 शुभ योग बन रहे हैं। इस दिन प्रातः काल से ही प्रीति योग बना हुआ है जो शाम 4:59 तक रहेगा। उसके बाद से आयुष्मान योग शुरू हो जाएगा जो अगले दिन शाम 4:25 तक रहेगा। सर्वार्थ सिद्धि योग देर रात 1:47 से सुबह 6:52 तक है। आप सभी के जीवन में छोटी दिवाली और दीपावली की अनेकों अनेक शुभकामनाएं। आपका जीवन मंगलपूर्ण हो। इस खबर में फिलहाल इतना ही। बाकी अपडेट्स के लिए आप बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।